मंदसौर जिला पंचायत सदस्य बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय की तालाबंदी कर करेंगे प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर दी गई चेतावनी। मंदसौर जिला पंचायत के सदस्य कल जिला पंचायत की तालाबंदी कर प्रदर्शन करेंगे एवं मीडिया से चर्चा करते हुए जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कल किया जाएगा। बताया गया कि कल बुधवार को 12 बजे जिला पंचायत सदस्यों की विभिन्न मांगों को लेकर जिसमें विभागीय समीक्षा न होना व समय पर बैठक न होना, 2023-24-15 वित्त की कार्य योजना की राशि वितरण न हो पाना एवं कई अन्य समस्याओं को लेकर जिला पंचायत के सदस्य कल एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर तालाबंदी करेंगे एवं बताया गया कि जिला पंचायत के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी परेशानी आ रही है क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों को विकास कार्य को लेकर राशि नहीं मिल पा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है जिसका खामियाजा आम जनता सहित निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ रहा है एवं बताया गया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से सरकार है उसके बावजूद भी पूरी तरह से सरकार के ऊपर लगातार दिन पर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। हर महीने मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है। देखिए जिला पंचायत के अंदर बहुत विसंगतियाँ चल रही है, विभागीय समीक्षाएं नहीं हो पा रही है, हमारी समय पर बैठकें नहीं हो पा रही है। पूरे जिला पंचायत के अंदर हम 17 सदस्य हैं, लगभग 17 ही सदस्यों के क्षेत्र में हम आम जनता के बीच में जब भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं भैया आपने इन बातों के लिए हाँ करी थी, आपने इन कार्य के लिए हाँ करी थी, लेकिन वो कार्य हम करा ही नहीं पाते क्योंकि हमारे पास राशि नहीं है। हम जिला पंचायत सीईओ से बात करते हैं तो वो 15 वित्त की राशि अभी नहीं आई है, अभी इस योजना में पैसा नहीं आया है, शासन के पास पैसा नहीं है, विभिन्न वाहनों का हवाला दे करके हमें रोका जाता है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि लगभग मंदसौर ज़िले का हर ग्रामीण क्षेत्र का परिवार, हर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति मंदसौर जिला कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा कर परेशान हो जाता है लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हम इन बातों को यदि विभागों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से विभागों के समक्ष रखते हैं वो विभागों की समीक्षा ही हम नहीं कर पा रहे। हम एक बार विभाग के अंदर बात रखते हैं, अगली बार बैठक नहीं हो पाती, विभाग की समीक्षा होगी कैसे? विभाग भी जानता है कि हमारी इन जिला पंचायत सदस्यों की बैठक हो नहीं रही है, इनको जवाब देने का कोई है ही नहीं हक। तो मेरा ये कहना है इसी बात को लेकर के हम कल तालाबंदी कर रहे हैं और उसमें लगभग सभी जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहेंगे। क्या मानते हैं कि मतलब सरकार खजाना जो है खाली हो गया, इसी कारण से मतलब योजना नहीं हो पा रही, पैसा नहीं आ पा रहा? बिल्कुल मैं सहमत उस बात से क्योंकि जिला पंचायत, न सिर्फ जिला पंचायत, मध्य प्रदेश की एक एक ग्राम पंचायत, एक एक जनपद पंचायत सभी खाली पड़ी है, काम नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के पास पैसा नहीं है। 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ के हर महीने कर्ज की खबरें आ रही है मीडिया के माध्यम से कि सरकार कर्ज ले रही है। तो मेरा ये कहना है कि यदि सरकार कर्ज ले रही है तो बीते 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने किया क्या? सरकार काम किस प्रकार से कर रही है? फ्री की योजनाएं तो बहुत ला रही है तो फिर किस प्रकार से आप क्रियान्वयन कर रहे हो जनता के पैसों का? आप तो टैक्स तो बहुत ले रहे हो, आप खनिज विभाग के माध्यम से टैक्स ले रहे हो, आप आबकारी विभाग के माध्यम से टैक्स ले रहे हो, विभिन्न प्रकार के टैक्स ले रहे हो, आप GST टैक्स ले रहे हो, रजिस्ट्री में टैक्स ले रहे हो, ये टैक्स जा कर रहा है, आपको कर लेने की आवश्यकता पड़ रही है? मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल खोखली है और यहाँ पर जो स्थितियाँ चल रही है इस समय, हमारा मध्य प्रदेश बहुत गरीबी की कगार पर आ गया है।